हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा लॉ ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि सेकेंड ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस में तो कदे पूछे जाने के। आपका री एग्ज़ाम होने वाला है और री एग्ज़ाम में जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। 25-25 के 50 क्वेश्चंस हम आपको सजेस्ट करेंगे और उनमें से डेफिनेटली 30 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो चलती है क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, हु फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म लीगल थ्योरी, किसने पहली बार कानूनी सिद्धांत शब्द दिया या गढ़ा। तो वो थे फेरेडम, फेरेडमैन थे, इनका नाम था डब्ल्यू फेरेडन, ओके, इन्हें फ्रीडमैन के नाम से भी जाना जाता है, ओके, ये थे। दूसरा, हु वाज द डिस्क्राइब ज्यूरिसप्रूडेंस एज द लॉयर ऑफ एक्सट्रीवर्जन्स, किसने न्याय शास्त्र को वकील की बहिर्मुखता के रूप में वर्णित किया। तो वो थे जूलियस स्टोन, जूलियस स्टोन ने इसे जो है एक्सप्लेन किया था, और न्याय शास्त्र यानी कि वकील की जो बहिर्मुखता है के रूप में उसे वर्णित भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, हु सेड द ज्यूरिसप्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डेविन। तो देखें, किसने कहा था कि न्यायशास्त्र मानवीय दैवीय वस्तुओं का अवलोकन है, ये कहा था अल्पेन ने। अल्पेन ने कहा था कि जो है न्यायशास्त्र एक मानवीय और दैवीय वस्तुओं का अवलोकन है। हु सेड दैट द ज्यूरिसप्रूडेंस इज द सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल ऑफ फॉलोइंग बाय द कोर्ट्स, किसने कहा कि न्यायशास्त्र न्यायालयों के द्वारा अनुसरित या अनुशासित नियमों की व्यवस्था व्यवस्थित व्यवस्था है, या नियमों की व्यवस्थित व्यवस्था है। तो ये ग्रीक थे जिन्हें जो है इन्होंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया और अपनी थ्योरी को जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया बाय कोर्ट, ओके। हु सेड दैट द ज्यूरिसप्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, किसने कहा न्याय शास्त्र एक सकारात्मक कानून का दर्शन है। ऑस्टिन एक फेमस आपके राइटर है और फिलोसफर भी थे, इन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी है लॉ के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि न्यायशास्त्र एक सकारात्मक कानून का दर्शन है, जिससे कि सारी की सारी घटनाओं पर आधारित न्याय को सकारात्मक रूप से लिया जा सकता है। तो विश्लेषणात्मक कानून के संस्थापक कौन थे, तो बेंथम थे। हु इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, तो वो थे बेंथम, ओके। चलिए, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस, यानी कि अंग्रेजी न्यायशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, वो ऑस्टिन थे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यायशास्त्र की पूरी सोसाइटी में पहले जो फिलोसफर थे वो ऑस्टिन थे, ओके। हु डिवाइडेड द ज्यूरिसप्रूडेंस इनटू द टू पार्ट्स, एक्सपोसियल्स एंड द कंसेंसियल्स, किसने कहा कि न्यायशास्त्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, व्याख्यात्मक और सेंसरियल्स, ठीक है। तो ये थे बेंथम ने कहा था, ओके। हु हैज द रिटन एज द फेमस बुक, यह प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस एंड डिटरमाइंस, ये है, किसने कहा था कि ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, ज्यूरिसप्रूडेंस एंड डिटरमाइंस। तो ये थी ऑस्टिन की बुक, ऑस्टिन ने इन्हें इसे राइट किया था। विच ज्यूरिस टर्म्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल एज द इम्परेटिव स्कूल्स, किस विधिवेत्ता यानी कि आप ये देखो विधि के लिखने वाले को विधिवेत्ता कहते हैं, कि ने विश्लेषणात्मक विद्यालय के अनिवार्य विद्यालय कहा, ये थे एलेन ने कहा था कि विधिवेत्ता जो है यानी कि आपको विधि के जो लिखने वाले होते हैं विधिवेत्ता, उन्होंने कहा कि विश्लेषणात्मक विद्यालय को अनिवार्य करना चाहिए, इससे वकीलों की बहुत सारी सहायता हो सकती है। ऐतिहासिक विद्यालय के संस्थापक कौन थे, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्कूल जिनसे के हम देखकर नॉलेज ले सकते हैं, तो वो थे सेविंगनी, ओके। हु सेड दिस लॉ ऑफ ग्रो व्हेन द नेशन ग्रो, लॉ ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन
द नेशन ऑफ लॉडाइज वेन द नेशन लॉसेज ऑफ नेशनलिटी। किसने कहा था, कानून तब बढ़ता है जब राष्ट्र बढ़ता है, देश मजबूत होता है तो कानून मजबूत होता है, कानून मर जाता है जब राष्ट्र राष्ट्रीयता खो देता है। तो ये सेवेंगनी का स्टेटमेंट था कि जब कोई पॉपुलेशन बढ़ती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, देन राष्ट्र अगर कानून अगर ख़त्म हो जाता है उस नेशन के अंदर तो राष्ट्रीयता भी खो देता है। ओके, विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिफ्लेक्ट्स द वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सेवेंगनी, यानी कि सेवेंगनी के वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संविधान का कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है, तो वो है आपका आर्टिकल 13, 15, 25, 26 एंड 44 एंड 324। ये आर्टिकल हैं आपके जो इसे दर्शाते हैं। ठीक है, विच जुरिस्ट हैज द गिवन ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का शुद्ध सिद्धांत किस विधि विधेता द्वारा दिया गया है, वो है कैल्सन, कैल्सन ने इसे दिया गया है कैल्सन के द्वारा। हु इज द फादर ऑफ फिलोसफिकल स्कूल, यानी कि मैंने अभी हिस्टोरिकल बता दिया, फिलोसफिकल है यहाँ पर ग्रोटियस, क्या है, ग्रोटियस ने जो है हिस्टोरिकल स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। हु द प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, तो देखिए सामाजिक एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये थे डुगेट्स, डुगेट्स ने जो है सामाजिक जो थ्योरी थी उसको इस्टेब्लिश किया था। विच जुरिस्ट सेड द पोजिशंस इज द फिजिकल कंट्रोल ओवर एंड द सब्जेक्ट, किस न्यायविद ने कहा था कि कब्जा किसी वस्तु या भौतिक नियंत्रण है, तो पोलॉक, किसने कहा था, पोलॉक ने कहा था। ओके, व्हाट डज द टर्म ऑफ कार्पस ये है पोसेशंस मीन्स, यानी कि पजेसनेस जो है शब्द का अर्थ क्या है, तो कंट्रोल ओवर द पोजेशंस, ओके, कंट्रोल ओवर द पोजेशंस जो है इसका मीन्स है। 19, इन विच केसेस इट वाज हेल्प दैट द मैन कैन नॉट बी प्रोसीजर ऑफ एनी थिंग ऑफ विच एग्जिस्टेंस ही इन द अनवेयर, किस मामले में यह माना जाता है कि मनुष्य किसी भी चीज का स्वामी नहीं हो सकता जिसके अस्तित्व से वह अनभिज्ञ हो यानी अनजान हो। आर वर्सेस एसवेल के केस में इस चीज को जजमेंट दिया गया था कि किसी भी मामले को यह माना गया कि किसी मनुष्य किसी भी चीज का स्वामी नहीं हो सकता जिसके अस्तित्व से वह अनभिज्ञ हो यानी कि उसके नॉलेज में ना हो। हु सेड दैट के ओनरशिप इज द प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसने कहा कि स्वामित्व किसी वस्तु का पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि स्वामित्व यानी कि मालिक किसी वस्तु का पूर्ण नियंत्रण रखता है, तो ये था हॉलैंड, हॉलैंड ने इसे कहा था कि आप किसी भी वस्तु का अगर मालिक हैं तो उसका पूर्ण नियंत्रण आपके पास होगा। लाइक मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते का पूर्ण नियंत्रण किसके कंट्रोल में होगा, आपके कंट्रोल में होगा, ये इनका स्टेटमेंट था। द डेथ ऑफ पेनल्टी कैन बी अबॉल्स्ड बाय विज द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, मृत्युदंड की सजा को किस सिद्धांत द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के द्वारा आप मृत्युदंड को नकार सकते हैं। ओके, हु कॉल्स एनालिटिकल थ्योरी एज स्कूल पॉजिटिव्स, विश्लेषणात्मक विद्यालय को प्रत्यक्षवाद का विद्यालय कौन कहता है, तो यह है डाइस, डाइस ने इन्हें जो है विश्लेषणात्मक विद्यालयों को डायरेक्ट स्कूल्स का नाम भी दिया है। द कमांड और सेंसन थ्योरी ऑफ ऑस्टिन क्राइसिस बाय अदर जुरिस्ट एस, ऑस्टिन के आदेश को स्वीकृति सिद्धांत की अन्य विशेष विधिवेत्ताओं द्वारा किस रूप में आलोचनात्मक आलोचना की जाती है, यह है गनमैन लॉ, गनमैन लॉ के अंतर्गत जो ऑस्टिन ने जो थ्योरी दी थी उस सिद्धांत को अन्य
विधि विधेयताओं द्वारा अलग रूप से जाना जाता है। हु वाज द फर्स्ट जुरिस्ट टू फॉलो द हिस्ट्रिकल स्कूल, किसने पहली बार जो है उसका हिस्टोरिकल स्कूल को समर्थन किया था, वो थे मॉन्टेस्क्यू। क्या था? मॉन्टेस्क्यू ने जो है इसे समर्थन किया था पूर्ण रूप से, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल के पूर्ण रूप से समर्थन में थे कि आप हिस्टोरिकल में चीज़ों को देखकर और पढ़कर सीखा जा सकता है और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। विच जुरिस्ट वाज द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय ऑफ द लीगल काउंसिल ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी? कौन सा विधिवेत्ता भारत की विधि परिषद के वायसराय का सदस्य और कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति था? सर हेनरी मैने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे और जो है ये सदस्य भी थे किसके, काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के, लीगल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के, LCI के। ठीक है जी, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। इनमें से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, यानी कि आप 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखे जा सकते हैं आपके जुरिस्प्रूडेंस के पेपर में। ठीक है जी, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से करिए और मैं इसके बाद आपको 25 क्वेश्चंस की सीरीज और दूंगा, जिसमें 25 में से 4 से 5, तो यानी कि 50 क्वेश्चंस में से 8 से 10 क्वेश्चन आपके डन हैं। आपको पेपर की तैयारी करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू और कीप वॉचिंग।